संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही, दशहरा यही और यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई भला क्या गुरु का उपकार चुका सकेगा। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में शत शत नमन। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी द्वारा बताया गया है। तो यह बात है मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की। आचार्य भगवान सत्संग मुक्तागिरी में विराजमान थे और एक दिन की बात है, एक 18 वर्ष की बालिका जो बोल नहीं सकती थी, वह आचार्य गुरुदेव के दर्शन करने वहां पहुंची और अत्यंत श्रद्धा के साथ उसने श्रीफल चढ़ाया। वह आचार्य गुरुदेव से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मूक होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी गुरुदेव की करुणा भरी दृष्टि उस बालिका पर पड़ी और गुरुदेव ने उसे संकेत दिया कि पर्वत पर बने जिन मंदिरों की वंदना करने जाओ। वह बालिका पर्वत पर बने जिन मंदिरों की वंदना करने के लिए पर्वत की ओर चल पड़ी, लेकिन उसके मन में एक अपार वेदना थी कि हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो सामने बैठे गुरुदेव को मैं नमोस्तु तक नहीं बोल पाई, ना मैं उनकी भक्ति कर पाई। मैं संसार में किसी से कुछ भी नहीं बोलना चाहती, बस एक बार जगत गुरु आचार्य भगवान से नमोस्तु बोल सकूं, यही प्रार्थना है प्रभु मेरी। यूं ही उत्तम भावों से भरकर उसने पर्वत पर स्थित जिन मंदिरों की वंदना की। अब पर्वत से उतरकर ज्यों ही वह गुरुदेव के चरणों में पहुंची, उसकी आंखों से आंसू और बहने लगे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गुरुदेव ने उस बालिका के गिरते हुए आंसुओं की कहानी समझ ली और स्नेह से उसे आशीर्वाद दिया। जैसे ही गुरुदेव का आशीर्वाद उस बालिका को प्राप्त हुआ, वैसे ही उसके अवरुद्ध कंठ से वचन प्रभावित हो गए, जैसे गिरी से फूट गया हो कोई झरना। 18 वर्षों के बाद आज पहली बार एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह बालिका अचानक से बोलने लगी और सबसे पहले उसने गुरुदेव को नमोस्तु किया। तो दोस्तों, सच ही है कि गुरु कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, हर दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती है, क्योंकि आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि पाकर गूंगे भी बोलने लगते हैं, करुणा भरी नजर पाकर एक निर्धन भी माला माल हो जाता है और विकलांग भी चलने लगता है। ऐसे हैं हमारे आचार्य गुरुवर। तो दोस्तों, अगर आपको यह संस्मरण पसंद आया हो तो इसे अपने परिजनों एवं मित्रों में शेयर करना ना भूलें और विद्या गुरु के अन्य संस्मरण सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक अवश्य सुने। जय जिनेंद्र।